और अब मौसम के हवाले से बात करेंगे। रहीम यार खान और गिरदोनवाद में मतला साफ, गर्मी का राज बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान बताया जा रहा है। मौसम के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर फटी से। आमिर, आगाह कीजिएगा। राज जो है बरकरार है शहर और गिरदोनवा में। आज जो है आसमान पर सिर्फ सूरज का राज है, मतलब बिल्कुल साफ है। सुबह सवेरे हल्की ठंडी हवाएं चली जिससे गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी महसूस हुई, लेकिन ज्यों ज्यों जो है दिन गुजरता जा रहा है दोपहर के वक्त महकमे मौसमियात के मुताबिक कल की तरह गर्मी का राज जो है वो बरकरार रहेगा। और महकमे मौसमियात के मुताबिक रही मरखा शहर और गिरदोनवा में आज कम से कम दर्जा 27 सेंटीग्रेड, जबकि जो ज्यादा से ज्यादा गर्मी का जो पारा है वो 41 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। अंदर 24 घंटों में जो है बारिश के तो कोई इम्कान नहीं, अलबत्त इसी तरह से मौसम गर्म रहेगा। और रहीम यार खान के शहरी जो गर्मी है और इसके साथ साथ मामूल के मुताबिक जो बिजली की लोड शेडिंग है तो गर्मी के सतह हुए शहरियों की मुश्किल में भी इजाफा हो गया। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आंदा 24 घंटों में मौसम इसी तरह से गर्म रहेगा और आज आसमान पर जो है सूरज का राज बरकरार रहेगा। आज आसमान पर सूरज का राज बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी। अब रुख करेंगे बहावलपुर का। बहावलपुर और गिरदोनवा में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सितंबर में दर्जा हरारत में इजाफे से गर्मी और हब्स की शिद्दत बढ़ गई। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानेंगे ताहिर जोया से। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। मौसम की बात करें तो नवाबों के शहर बहावलपुर में गर्मी की जो शदीद लहर है उसका सिलसिला जारी है। आज भी सुबह से जो सूरज है वो आग बरसा रहा है और किस गर्मी से लगता यूँ है कि बहावलपुर में मई और जून की जो गर्मी है वो वापस लौट आई है। हमने देखा था कि बहावलपुर में पिछले माह अगस्त के महीने में मौसम जो था वो काफ़ी बेहतर रहा, ठंडी हवाएँ जो थी वो सुबह और शाम के वक्त चलना शुरू हो गई थी और दर्जा रात जो है वो दिन का और रात का काफ़ी ड्रॉप हो गया था, जिसके बाद यूँ लग रहा था कि अब खजां का मौसम जो है वो शुरू हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद मौसम जो एक दफ़ा फिर उसने करवट ली है और बहावलपुर में गर्मी की लहर ने सितंबर की जो दर्जा रहा था उसके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर हम इस वक्त के मौसम की बात करें तो आज हवा का जो सिलसिला है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, सिर्फ 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसके बायस गर्मी और हबस की जो शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। साथ साथ अगर हम आज के दर्जा हरारत की बात करें तो बहावलपुर में आज भी दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था कम होकर, लेकिन अब 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तासुब जो है वो थोड़ा सा इसलिए उसमें रिलीफ है क्योंकि 60% रिकॉर्ड किया गया है। हबस की जो शिद्दत है वो थोड़ी कम महसूस होती है सुबह और शाम के औकात में, लेकिन दोपहर के औकात में जो हबस की शिद्दत है उसमें भी इजाफा देखने में आएगा। साथ साथ जो महकमा मौसम आता है उनका भी यही कहना है कि बहावलपुर में ये जो गर्मी की हालिया लहर है मजीद 1 से 2 दिन तक जारी रहेगी, यानी कि जुमेरात के दिन से जो गर्मी की लहर है इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी और दर्जा जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो बहावलपुर में अगर हम एयरपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो वो भी कम होता दिखाई दे रहा है, 103 रिकॉर्ड किया गया है और बहावलपुर का जो नंबर है इस वक्त फिजाई लुदगी के लिहाज से वो 14वां रिकॉर्ड किया गया है। तो बहावलपुर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जो है वो गर्म रहेगा, शदीद गर्म रहेगा, बारिश का कोई इम्कान नहीं है और हवाओं का जो सिलसिला है वो भी हल्का फुल्का चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। मुल्तान में गुजश्ता कई दिनों से गर्मी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। मुल्तान के मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे हसन मलिक से। जी हसन। अजी शहरेओलिया मुल्तान की अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर में गर्मी की शदीद लहर जो है वो एज इट इज़ वैसे की वैसे बरकरार है। आज भी अलल सुबह से शहरेओलिया के बासियों को सूरज शदीद किस्म की आंखें दिखा रहा है और आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो मुल्तान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज शहर का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब भी आज कदरे बेहतर है कल से, जो कि 63% तक रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान शहर में गुज़िश्ता कई दिनों से गर्मी की एक शदीद किस्म की लहर बरकरार है। आज भी अलल सुबह से हल्की फुल्की हवा चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। हब्स की शिद्दत में थोड़ी सी कमी देखने को आई है, लेकिन सूरज की तेज छाओं की वजह से शहरेओलिया के बासियों के लिए सूरज जो है वो शदीद किस्म की आंखें दिखा रहा है और आग बरसा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो आज मुल्तान शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कदरे आलूदा है, जो कि 164 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई
आलूदा तरीन शहरों के लिए। इसमें मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो आज मुल्तान छठे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान और आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत यूं ही बरकरार रहेगी। आइंदा एक हफ्ते के दौरान बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा और ये भी पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ने की वजह से गर्मी की शिद्दत में और हब्स की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा। जी हसन, बहुत शुक्रिया।